नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। हम करेला गांव में हैं, विकासखंड चितरंगी लगता है, साथ ही जिला सिंगरौली, जिनमें हमने बहुत सारे लोग हमसे मिले और उन्होंने अपनी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है इनको लेकर, इनके पेंशन को लेकर, इनके गाँव में क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। हमारा बिटनी नाम है साकेत। आपका? मान कुमारी यादव। आपका? हमारा गजरू। गजरू साहब, हमारे आदमी का ही कोताही कर रहे हैं तो गोट टूट गया। हम भाई सरपंच मुखिया कुछ नहीं देता हमारे आदमी का, तो हमारा लड़का बच्चा का आखा हम का करी काम करी, तो बताई भाई दे सरकार। क्या नाम है आपका? हमारा लोली नाम है, हमारे आदमी का राम दयाल ना है। तो क्या करते थे वो? वो कुछ नहीं करता है, रंग नहीं पड़ता है। तो दवाई करा चला, यही पर गिरा है नीचे, कोताही करते समय कुछ नहीं, गोदाम की नहीं दे है पैसा वैसा कुछ नहीं, दवाई कर रखते हैं। और मतलब यहाँ पे जो यहाँ एक्सीडेंट हुआ था उनका पैर, तो उनको कुछ नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया अभी सरपंच मुखिया, तो क्या भाई लिख पढ़ कर दे तब ना हमारे आदमी मिली कुछ हो, ऑपरेशन कर पड़ी बोले। हाँ डॉक्टर। तो सरपंच का क्या नाम? सरपंच का नाम है उनका महतारी भाई सरपंच बनी कुसुम काली नाम है। उनके पति का नाम क्या? पति हम नहीं जानी। अच्छा, कांता प्रसाद नाम था। कांता प्रसाद है, देखिए कुछ नहीं दे हैं अभी तक, कुछ पंचायत की तरफ से नहीं मिला गया। और वो जो पहले काम करते थे वो उसकी पेमेंट दी गई? उनका पर मैं मिलवा 5,000, देखिए उतना गोर टूट गलवा पैर यहाँ टूट गलवा, ऑपरेशन करके डॉक्टर बोले हैं पैसा नहीं मेरे पास, कहाँ भाई गरीब आदमी कहाँ पाई, नहीं दे है कुछ हो कहना कि अपने से गिर गया है, तो अपने गिर गया तो हम कहाँ जी आई कहाँ पाई हम आदमी। तो उसके लिए आपने थाने में रिपोर्ट वगैरह नहीं करा? रिपोर्ट नहीं आया करम की गाय घर लगा तो दे दे ही तो नहीं आते हैं, देखिए अभी तक उनको कम्पनसेशन वगैरह कुछ नहीं दिया गया, नहीं दे है। चले ठीक है, इस पर पंचायत की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही? कुछ मदद नहीं करे पंचायत की तरफ से, तो आपको क्या दिक्कत है? हमारा दिक्कत है पेंशन नहीं मिलता है, हम विधवा हैं, का खाएं, हमारे कौन सहारा है, कोई सहारा नहीं है। 1,000 रुपया मोदी सरकार डाल रहा है हमको, 600 यहाँ नहीं देता है, यही दिक्कत है। गल्ला भी कटियाला हर महीना में 1 किलो, और कौन दिक्कत है? वही दिक्कत हमको भी है, विधवा जो पेंशन नहीं मिलती है हमको। हमारा नाम गजरूप है, हमको नहीं मिलता है, 65 साल का है, थोड़ा आधार कार्ड में कम उम्र है, तो बोलते हैं कि तुम्हारा आधार कार्ड में उम्र कम है। आधार कार्ड में कितनी उम्र है आपकी? आधार कार्ड में कम उम्र है, मैं वोटर लिस्ट जो वोटर डालते हैं उसमें 65 साल का है। तो आपने आधार कार्ड सुधरवाया नहीं? नहीं सुधर रहा है ना, क्या बोल रहे हैं नहीं सुधरेगा। आधार कार्ड केंद्र में जाके सुधरता है, वहाँ पर आप पूरी जानकारी दें, वैलिड जानकारी जो होती है उसको देंगे, तब जाकर वहाँ पर एडिट होगा, फिर इसके बाद आप अपने सरपंच और सेक्रेटरी से कॉन्टैक्ट करें, है ना। इसके बाद कॉन्टैक्ट करने के बाद अब जब आप लीगल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा। कोशिश ये करें कि आप अपने सरपंच सेक्रेटरी से कांटेक्ट करें। ठीक, करेंगे, उनसे मिलेंगे। उनसे मिलिए और पूरी उचित जानकारी दीजिए। और कोई लोग कोई भी हैं जिनको कोई दिक्कत हो कि इस क्षेत्र को लेकर? यहाँ पर कुछ युवा लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और देखेंगे कि इस क्षेत्र में और क्या क्या दिक्कतें हैं। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार साकेत। क्या इस क्षेत्र को लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं? थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए प्लीज। सर इस क्षेत्र की इसलिए दिक्कत है कि सर यहाँ पे जितने भी कोटा भरता है जितने महीने में हर एक व्यक्ति का 1-2 किलो कटता है जरूर सर, और जो बोलता है उसको मिलता है और जो नहीं बोलता है सर कुछ को मतलब मिलवा नहीं करता है सर। यही दिक्कत है कि सर आज से और अभी से मतलब यहाँ पे मतलब कोटा में जितने भी लिए कटना नहीं चाहिए। कि और कोई दिक्कत है इसको छोड़कर, खेती को लेकर, आपके बुजुर्गों को लेकर, लाइट बिजली और जो भी हो पानी के लिए का समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पे? तो यही समस्या है कि यहाँ पे सर अच्छे से लाइट नहीं आ रही है, 24 घंटे में 1-2 घंटे लाइट आ रही है, और यहाँ पे जैसे कि कुछ खेती किसानी है मोटर से अच्छा नहीं, सिंचाई नहीं हो पा रहा है, तो सर यही समस्याएं हैं। आपका नाम बताएं? हमारा विश्व प्रताप है सर। क्षेत्र को लेकर कौन कौन सी समस्याएं हैं? सर इस क्षेत्र से बहुत समस्या है सर, आवास की ज्यादा समस्या है सर। हमारा घर सर पीछे उधरने वाला है सर, अभी तक कुछ नहीं सर, दो रूम का बस सीट का घर है सर, बाकी मिट्टी वाला सर उधरने वाला है सर। हाँ, तो इसलिए अभी तक आवास नहीं मिला है सर। अभी तक आवास की नहीं मिला। चलिए, आपकी क्या दिक्कत है सर? हमारा सबसे पहले तो आप ये बताएं मास्क क्यों नहीं पहना आप घर पे? मास्क सर तो घर में रख के क्या करेंगे? भूल के पहनने के लिए
नहीं तो ये कौन से, अगर सपोज करिए आपके बगल में यही खड़े हैं और इनको कोरोना है, आपको हो जाए तो? बोल गए सर। अब आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर इस महामारी के दौरान कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा हम फैलाएं ना इसको, दूरी बना के रहें, ठीक है, और मास्क जरूर पहने। क्या दिक्कतें हैं इस आपके, आपको लेकर, आपके क्षेत्र को लेकर? मेरा नाम है प्रेम पटेंजा। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे गांव में बहुत समस्या है, जैसे कि नल अभी है रोड की लाइनिंग में, पूरा नशा हुए है, यहाँ के सरपंच जो है नहीं देखभाल कर रहे हैं, पानी की दिक्कतें हैं, रोड का कोटा में गला कट रहा है सर, और सड़क रोड का पूरा दिक्कत है सर, बहुत समस्या है यहाँ, कोई देख तक नहीं करता है सर। हम लोग अपने में बोलते हैं, आवाज उचाते हैं, तो लोग डराते हैं हम लोगों को। कौन कौन लोग है जो आपको डराते हैं? यहाँ के बहुत ऐसे हैं लड़के हैं कि जो सब डराते हैं। तो नाम तो बताएं उनका। नाम नहीं है सर पता। नाम नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो ये थी करेला गांव को लेकर इनकी समस्याएं, जिनमें इन्होंने बताया कि बिजली की समस्या है, बहुत सारे नल है जिसको पंचायत जिन पे ध्यान नहीं दे रहा, तो लोगों को पानी की भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिला है, वो गरीब हैं, और साथ ही बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, पंचायत की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही, और जो भी बुजुर्ग हैं अगर वो दस्तावेज भी जमा कर रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिवम गुप्ता। श्री कृष्ण ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।